राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मंगला गौरी व्रत की कथा और सुहागिन महिलाओं के लिए क्यों यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, श्रावण माह में जिस तरह भगवान शिव को प्रिय है, उसी तरह माता पार्वती को भी बहुत ही प्रिय है। श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार की तरह ही प्रत्येक मंगलवार को माता गौरी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करके सुहागिन महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नवविवाहित महिलाओं को इस व्रत के फल स्वरूप अखंड सौभाग्यवती का फल प्राप्त होता है। श्रावण के प्रत्येक मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे विधि विधान से इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत से जुड़ी कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में धर्मपाल नामक एक सेठ था। उसके पास धन, वैभव और समृद्धि की कोई भी कमी नहीं थी, बस जीवन में एक पुत्र की कमी थी, जिसका दुख सभी सुखों पर भारी था। कुछ समय बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन उसे भी श्राप था कि 16 साल की उम्र में सांप काटने से उसकी मौत हो जाएगी। सेठ धर्मपाल ने अपने बेटे की शादी 16 साल से पहले कर दी। जिस युवती से उस लड़के की शादी हुई थी, उसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। उन्होंने माता से अपने बेटी के सुखी होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। माता के आशीर्वाद से नवविवाहित लड़की कभी विधवा नहीं हो सकती थी। सास के आशीर्वाद से धर्मपाल के लड़के को उम्र 100 साल की लंबी आयु की हो गई। दोस्तों, इसी वजह से सभी नवविवाहित महिलाएं मंगला गौरी व्रत का पालन करते हैं, जिससे लंबी आयु, संपन्न जीवन तथा सुखी वैवाहिक जीवन जीने की कामना करती हैं। कथा सुनने के बाद महिलाएं अपने सास और ननद को 16 लड्डू देती हैं। दोस्तों, इसीलिए मंगला गौरी का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए पति की लंबी आयु का वरदान है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं कुछ अगली जानकारियों के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।